हेलो दोस्तों, अगर तुम लोग का एक और मीम वीडियो में एंड अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतने मीम वीडियो क्यों बना रहा हूँ। भाई मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बच्चे नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये मीम वीडियो बनानी पड़ती है मुझे ताकि मुझे हंसी आए, मैं सब दांत फाड़ फाड़ के हंस सकूं, यही रीजन है बस। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए? अरे चाहिए तुम्हें, बस तुम्हें पता नहीं है। देखो देख रहे हो ना, अभी मैंने बोला था तुम्हें चाहिए। तो देखो मैंने बहुत बकवास कर लिया, अभी हम लोग सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर तुम बोलो तो मैं 12-13 मिनट बकवास भी कर सकता हूँ, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके बीबी जी, थोड़े पैसे चाहिए। ले बेटा 10 का नोट, तू भी ले। बीबी जी 10 रुपए का मैं क्या करूंगा, इनको मैं फेंक के मारता हूँ। मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ बीबी जी, 1 लाख रुपए चाहिए मुझे। पता है तुम्हें कौन सी डिग्री कर रही हूँ मैं? MBBS। बच्चे पैदा करके फेंक दिए तुमने तो, तुम्हें ना फीस देनी है ना कुछ, ना पता है बच्चा क्या कर रहा है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए MBBS तक की। तुम लोगों को ये नहीं पता फुल फॉर्म क्या है उसकी। MBBS की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? मास्टर इन ब्लास्टर। पता है फुल फॉर्म क्या होती है MBBS की? कल को बताऊंगा मैं फुल फॉर्म तो तुम्हें, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कैसे दो मुझे? मुझे कुछ नहीं पता। अबे साले, 12वीं क्लास में 13 बार फेल होने वाला तू पहला लोंडा हमारे गांव का। MBBS की बातें कर रहे हैं। अबे भाई कितना मस्त है यार, माय फ्रेंड ग्रुप। साला हेयर स्टाइल भी गाल दिया। रुक रुक मैं पकड़ता हूँ। अरे रहने दे, मैंने नंबर नोट कर लिया है। अबे ऐसा कोई जोक था यार, ऐसा रिटन में इन लोगों ने इसका वीडियो बना दिया है। वो टकला है बोल रहा है हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया है, ये लंगड़ा बोल रहा है मैं पकड़ता हूँ भाग के है, और ये अंधा बोल रहा है मैंने नंबर नोट कर लिया है। अब ये किसने कर दिया? भाई नंबर ही नहीं अच्छी आई। स्टूडेंट्स राइट नाउ, साला सोचा था नवंबर से पढ़ाई शुरू करूंगा और पूरे नवंबर में अपना सेमेस्टर का सारा सिलेबस खत्म ही कर दूंगा, लेकिन त्योहार मनाते मनाते आधा नवंबर तो चले गया। अब आधे नवंबर से पढ़ाई शुरू करूं या फिर दिसंबर 1 तारीख से कर लूं, वैसे 1 तारीख से भी अगर करूंगा तो भी कंप्लीट कर ही दूंगा सारा सिलेबस। अरे छोड़ो यार, नवंबर चिल मोड में उड़ाते हैं अपने, 1 दिसंबर से पढ़ाई शुरू करेंगे। इसकी मौसी का अपना एक्स्ट्रा डार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग। भाई भाई भाई, सारे जितने स्कूल में सब यही सोच रहे हैं, बता रहा हूँ 1 दिसंबर से लग के पढ़ेंगे, लग के ये वाला दिन मस्ती में काट लेते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ चीटिंग। भाई मैंने चीटिंग नहीं करी भाई, मतलब 1-2 बार करी है यार ऐसे, मतलब 1-2 बार तो चलता है भाई, वो ट्रायल होते हैं, बट भाई मेरे को चीटिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था। लाइक तुम सोचो, 1 बार मैं चीटिंग कराते हुए पिट गया। लाइक मैं चीटिंग कर भी नहीं रहा था, मैं करा रहा था और मैं पिट गया। उस दिन के बाद ना मैंने चीटिंग करी है ना कराई है भाई, पढ़ाई में अच्छा था यार मैं, इसलिए करा देता था थोड़ी सी। मी एवरी टाइम जब स्कूल मिस कर देता था। सही है, मैंने आज स्कूल की छुट्टी कर ली, आज पूरे दिन डोरेमोन और शिनचैन के एपिसोड देखूंगा। 9 बज रहे हैं, पक्का साइंस वाले टीचर का पीरियड होगा, सबकी कॉपी चेक करूंगी। अच्छा मैंने किया, मेरा तो काम भी पूरा नहीं है, और तो और गुल्लू की कॉपी तो मेरे पास ही है। बेचारा पिट रहा होगा टीचर से, पीट पीट के मुर्गा बना दिया होगा उसको। अब तक 11 बज गए, पक्का मैथ वाले सर का पीरियड चल रहा होगा, आज तो टेस्ट लेने वाले थे, मुझे पता है मेरे दोस्त पक्का फेल हो जाएंगे। 11:30 हो गए, अब तक तो लंच हो गया होगा, सब मजे कर रहे होंगे, गुल्लू सबके ऊपर पानी फेंक रहा होगा और रमेश सुरेश पेपर बुक से बैट बॉल खेल रहे होंगे, और मेरी क्रश भी तो ग्राउंड में बैडमिंटन खेल रही होगी अपने उस चिपकू बेस्ट फ्रेंड के साथ, कभी ना कहीं का। 11 बज गए, इस टाइम तो फ्री पीरियड होता है, पक्का सब शोर मचा रहे होंगे और वो टीचर का चमचा मॉनिटर सबका नाम लिख रहा होगा बोर्ड पे। 1:30 बज गए, अब तो छुट्टी होने वाली होगी, सब बैग पैक करके लाइन लगा रहे होंगे और पक्का गोलू पीछे बैठ के बैग के अंदर फोन चला रहा होगा। हेलो, हाँ गोलू, आज तुम लोग बोर हो गए मेरे बिना? क्या बात कर रहा है, आज सारे पीरियड्स खाली थे? क्या बात कर रहा है, आज पूरे दिन ग्राउंड में खेल रहे थे? क्या बात कर रहा है, टीचर का चमचा सीढ़ियों से गिर गया, उसके दांत भी टूट गए। यार मैं जिस दिन स्कूल मिस करता हूँ ऐसी चीजें तभी क्यों होती हैं? भाई तुझे बात बताओ। हाँ बता। तेरी क्रश के बेस्ट फ्रेंड ने उसे प्रपोज भी कर दिया और तेरी क्रश ने हाँ भी बोल दिया। भाई भाई ये रिलेटेबल है भाई, पूरा पूरा भाई। जिस दिन स्कूल ना जाओ उस दिन भूकंप आ जाता है, साल भर के सारे काम उसी दिन हो जाते हैं, और फिर लगता है अरे यार मैंने ही गलती कर दी स्कूल ना जाके, आज ही सब होना था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, कैसी लड़की हो तुम? जी तो ये करता तो मैं कुत्तों के आगे डाल दूं। वो, 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 वो।
व्हाट साले चनाक बन गया। अरे यार इतना भी नहीं गिरना यार। पंडित जी मेरा हाथ देखो ना, मेरी शादी कब होगी? अरे हाथ मत दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देख लिया, नहीं होगी शादी। गजब बेइज्जती है। अबे भाई 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 मैं नहीं देता भाई, मैं पंडित को वहीं गाड़ देता। ना 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 ना, ऐसे कैसे बोल दिया? वो तो अच्छा मानुष था भाई, उसने झेल लिया, मस्त समोसा था भाई, समोसा यार मीठी चटनी के साथ बड़ा मस्त समोसा भाई। कौन लाया बे? मैं लाया हूँ। तू कैसा लाया बे? ये तो हाथ ही नहीं है ऐसे। अरे ये कैसे उठाया? वो मुझे देखना है, एक बार देखना है। ओके बड़ा मस्त समोसा भाई। कौन लाया बे? मैं लाया हूँ। तू कैसा लाया बे? ये तो हाथ ही नहीं है। कैसे 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 उठाया भाई उसने? मैं ये नहीं कर सकता भाई। भैया बद्दे कुछ चुरा लिए? कहाँ चुराया बे? हाथों पकड़, हाथों पकड़। अच्छा गुलाब जामुन चुराया हूँ, जेब फटी। ओके कुछ नहीं था भाई, किसी ने कुछ नहीं देखा। आगे बढ़ते हम, बुरा ना मानो दिवाली है। थोड़ा मूड खराब। चलो भैया देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई नहीं, भाई नहीं प्लीज यार, शांति से आखने दो भाई, प्लीज प्लीज। क्या बिगाड़ रहा है? क्यों आरआईपी फिजिक्स? भाई कुछ तो गलत होने वाला है। ओ ओ, उसने देख लिया, वो नागिन है शायद मुझे लग रहा है। और ये देखो तुम, कुछ तो होने वाला है अभी। स्टूपिड सा, मुझे पता था, मुझे पता था यही कुछ होगा। मुझे पता था। मारो मुझे, मारो फट। उसने रुको 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 रुको, उसने वो बंदूक हाथ में ली और ऐसा वापस मार दी, और जिसने वो गोली मारी थी उसकी आंख में लग गई। अरे ये क्या लॉजिक है भाई? मैं चप्पल निकाल रहा हूँ अपनी भाई। ना 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 अबे यार ये क्या लॉजिक था भाई? मेरे को बताओ भाई से एक बारी। तो ये सब देखने के लिए मैं अपना इंटरनेट का रिचार्ज करवाता हूँ भाई। अभी मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, आगे से कुछ आया मैंने क्या ही कर लूंगा, मैं देख लूंगा बस। और क्या क्या है इस सीट में? कुछ है तो निकाल दे पहले जो है, फिर बैठ जा। हो गया तुम्हारा? मेरा तो होके चलने भी लग गया है। ब्राजील में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। काफी सारी लड़कियां जो कि कुंवारे लड़के ढूंढ रही है, लेकिन लड़के मिल ही नहीं रहे। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना भाई, मेरे को भी जाना है भाई, सीरियसली भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को सही में जाना है। कौन सा देश है भाई ये? ब्राजील। किधर है भाई ये? साउथ अमेरिका में। फ्लाइट टू साउथ अमेरिका। कोरिया क्यों आ रहा है भाई ये? इधर नहीं जाना है। चीपेस्ट फ्लाइट, ठीक है। वन वे भाई, वापस नहीं आना मुझे, उधर जाऊंगा फिर मैं। 54,000 भाई, इतनी महंगी टिकट। बाद में चलते हैं गाइस, अभी नहीं हो पाएगा। हेलो गाइस, मैं आया हुआ हूँ आपको लो बजट में शिमला घुमाने के लिए। okay. अभी मैं आया हूँ यहाँ होटल में खाना खाने के लिए। खाना बहुत ही टेस्टी है। लोग बोलते हैं घूमने के लिए पैसा चाहिए, घूमने के लिए पैसा नहीं, सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए। हाँ भैया खाने के कितने पैसे हो गए? 600 रुपए। तो ऐसे ही लो बजट में हम चलेंगे बुर्ज खलीफा घूमने। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार।
बट हाँ भाई पैसा नहीं चाहिए होता यार घूमने के लिए, दिल होना चाहिए। नहीं तो मान रहे हो, क्या हो गया? पावर ऑफ देसी दाल। What? भाई ये क्या भाई, भाई जो इन्होंने लगाया मुझे भी चाहिए। 18 प्लस हो गया हूँ, अब मैं लगा सकता हूँ। भाई मेरी मम्मी ना देख रही हो बस ये वीडियो। सर ये लोग की चाय है। क्यों, तुम्हारे पास कप नहीं है? कप तो ऑस्ट्रेलिया नहीं। भाई यार नहीं यार, वर्ल्ड कप की याद मत दिला भाई, प्लीज भाई। उस दुख से मैं अभी तक निकल नहीं पाया हूँ। साला 10 मैच लगातार जीते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो जीतना जरूरी था वही हार गए। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार जीत लेंगे। 10 दिन से दिल को यही दिलासा दे रहा हूँ। ओके तो ये एक व्हाट्सएप चैट है सोनाली की। हे गटर, व्हाट गटर, योर नेम डियर? मेरा नाम सोनाली है ओके, वही तो सौ नाली मिलकर ही गटर बनती है। डीपी क्यों हटा दी? हाँ यार सौ नाली मिलके गटर बनता है, इसलिए उसने लिखा है गटर। लॉजिक तो लगाया भाई ने, फिर नीचे लिख रहा है डीपी क्यों हटा ली। भाई तू ब्लॉक हो गया है। नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जाम। ओहो भाई, करने के 100 तरीके। ओ ये वाला सही था भाई, जंगल के अंदर। भाई 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 भाई, पर मैं तो एक्साइट क्यों हो रहा हूँ, मेरा तो स्कूल ही खत्म हो गया है। अबे यार चीटिंग अब कर भी नहीं सकता। बट भाई तरीके अच्छे थे यार ये चीटिंग करने के। भाई वो उंगली वाला देखा तुमने, ऐसे खोला, खुल गया, ऐसे बंद किया। अबे अरे भैया, भाई उसे बोलने तो दे यार। वेट फॉर इट। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये मोबाइल क्या करना है यार, भाई ये मोबाइल चल नहीं रहा यार, गिर गया था मुझसे यार। भाई लैटरिन के लैटरिन में गिर गया था भाई, जीप से लगा लिया। ओके सो मैंने अभी रियलाइज किया वीडियो काफी लंबी हो गई है। मैं मीम पे मीम देखे जा रहा हूँ, देखी नहीं रिकॉर्डिंग कितनी लंबी हो गई है। तो यार हमको ये वीडियो यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। तो यार इसी के साथ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि ऑब्वियसली लगी अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। एंड देखो अगर ये दोनों चीजें करने जा ही रहे हो तो ऐसा कॉमेंट भी कर देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय।